लंबे समय के बाद आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मोदी मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह दी गई है, वहीं कई पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। इस बीच सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता वापसी कराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आखिर क्या वजह रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? दरअसल 15 महीने पहले सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। उनके दल बदलने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी की सत्ता वापसी हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे। सिंधिया समर्थक विधायकों को अपनी कैबिनेट में शामिल किया गया था, तभी से सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चाएं चल रही थी। हालांकि पश्चिम बंगाल चुनाव और कोरोना काल की वजह से मोदी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका था, लेकिन अब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है और सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सिंधिया को मोदी कैबिनेट में शामिल करने के बाद और एक अहम पद देने के बाद कांग्रेस में हाईकमान से नाराज चल रहे नेता बीजेपी का रुख कर सकते हैं। इसमें सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है।